हिंगोली शहरासह विविध ठिकाणी आज बकरी ईद मोठ्या उत्साहात शांततेत साजरी करण्यात आली. आज संपूर्ण देशभरात मुस्लिम समाजाची ईदुल अझा बकरी ईद हा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात आला. हिंगोली शहरातील औंढा ईदगाह मैदानावर ईदची नमाज अदा करण्यात आली. यावेळी सर्व मुस्लिम बांधवांनी अल्लाह विशेष दुआ करून सर्वांना सुखशांती निरोगी ठेवण्यासाठी दुआ करण्यात आली. त्यानंतर मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांना आलिंगन देत ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. बकरी ईद आणि आषाढी एकादशी या दोन सणांनिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे, नगरपरिषद स्वच्छता विभाग बाळू मांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील विविध ठिकाणी बकरी ईद आणि आषाढी एकादशी सणानिमित्त शहरामधील रस्ते आणि ईदगाहावरील साफसफाई स्वच्छता केली. त्याचबरोबर जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर, पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील, गुन्हे शाखा अधिकारी पोलीस निरीक्षक पंडित कचवे, हिंगोली शहर पोलीस स्टेशनचे PI आंबले साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच पूर्ण शहरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जागोजागी CCTV कॅमेरे आणि त्याचबरोबर पोलीस प्रशासनाच्या गाडीवर सुद्धा CCTV कॅमेरे लावण्यात आले. यामुळे सर्व शहरे नजरकैद झाल्याचं दृश्य सर्वांना दिसून आलं. पोलीस प्रशासनानेही चांगल्या प्रकारे शहरात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी विशेष बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी हिंगोली जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर, अप्पर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील, गुन्हे शाखांचे पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. ABP न्यूज मराठीसाठी हिंगोलीहून प्रतिनिधी फारुख शेख. आज बरोज जुमेरात 29 जून 2023 ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर हम तमाम आलम इस्लाम को बिलखसूस और पूरे मुल्क भारत को बिलअमूम इस ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि इस ईद के ज़रिए से हमारे इस खूबसूरत मुल्क में अल्लाह तरक्यात को आम करें और भाईचारा यकजहती की फ़ज़ा को भी आम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ईद के पैगाम को, ये ईद का पैगाम जो कॉन्सेप्ट जो कुर्बानी की तरफ ले जाता है कि अपने जज्बात की कुर्बानी करें, इसी तरीके से हम अपने एहसास की कि हम जिस समाज जिस माशरे में रह रहे हैं मैं ही सब कुछ नहीं हूँ बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे के साथ जो रखा है एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही ईद का मुबारक मफ़हूम हम सबको समझा दें. फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ अहलियाने हिंगोली को. माशाल्लाह यहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई बड़े पुरमन तरीके पर. प्रशासन ने भी इसमें बहुत कॉपरेट किया. तमामी अहबाब को सरफरी से मुबारकबाद. अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ऐसी ईदें हमारी ज़िंदगी में बार बार लेके आए.